नवरात्र शुरू होते ही ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। सेठ चंदूलाल का परिवार बहुत अमीर था। उसकी एक पत्नी, दो बेटे रोहन और महेश भी साथ रहते थे। नवरात्र का पहला दिन था और पूरा घर दुर्गा माँ की पूजा में लगा था। तभी उनकी नौकरानी कविता उनके घर आई। मालिक मालिक, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सब बोलकर तू अपनी गलतियां छुपाना चाहती है ना? मैं कुछ समझी नहीं मालकिन। तभी उसकी दोनों बहुएं माया और मीरा भी वहां पर आ गईं। इतनी भोली बनने का नाटक मत कर। तुझे पता था ना कि नवरात्रि आज से शुरू है, फिर भी तूने आने में इतनी देर कर दी। मैंने भी 9 दिन का व्रत रखा है, आज कलश की स्थापना करनी थी इसीलिए पूजा करने में थोड़ी देर हो गई। दुर्गा माता की आड़ में तो अपनी कामचोरी को छुपा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? कविता के हाथों में प्रसाद था। मैं आप लोगों के लिए प्रसाद लेकर आई हूँ, ये लीजिए। अपना प्रसाद अपने पास ही रख, तू नौकरानी है, नौकरानी की हैसियत में रह। हमसे ज्यादा पर्सनल होने की कोशिश मत कर। ये प्रसाद अपने जैसे भिखमंगों को देना। माफ करना मालिक। कविता घर की साफ सफाई में लग गई। उनके दोनों बेटे अपने कमरे में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, तभी माया उनके पास आई। रोहन आप लोग जाइए, जरा पूजा का थोड़ा सामान ले आइए जाकर, सासू माँ ने कहा। थोड़ी देर बाद रोहन और महेश पूजा का सामान लेने के लिए अपनी कार से निकल गए। सिग्नल पर कुछ भिखारी बच्चे दुर्गा माँ की तस्वीर लेकर उनकी गाड़ी साफ करने लगे। भैया मैं इन भिखारियों से बहुत परेशान रहता हूँ, 2 मिनट का सिग्नल हुआ नहीं कि मांगने आ जाते हैं। पता नहीं ये भिखारी पैदा ही क्यों होते हैं। भैया आज से नवरात्र शुरू है, हम लोगों ने भी व्रत रखा है, थोड़े पैसे दे दीजिए ना, क्योंकि पूजा करने के लिए हमारे पास कुछ सामान नहीं है। भाग जा यहाँ से, वरना इतनी तेज थप्पड़ मारूंगा कि उड़कर 10 किलोमीटर दूर गिरेगी। चल भाग यहाँ से। वो बच्ची डर कर वहाँ से चली गई और दूसरे लोगों से भीख मांगने लगी। सिग्नल जैसे ही हुआ वैसे ही रोहन ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी और दुकान पर पूजन सामग्री लेने पहुँच गए। आइए आइए सेठ जी, आइए, बताइए क्या चाहिए आपको। ये रही सामान की लिस्ट, जल्दी से निकाल दीजिए, हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। बस बस 5 मिनट का टाइम दे दीजिए। छोटू सेठ जी का सारा सामान निकाल दे, ये ले लिस्ट। तभी उसकी दुकान पर कुछ भिखारी भीख लेने आ गए। रोहन और महेश उन्हें देखकर फिर से गुस्सा हो गए। तुम लोग बस त्योहारों का इंतजार किया करते हो, त्योहारों में तो तुम लोगों की अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी। सब माता रानी का आशीर्वाद है, कभी कभी तो बहुत अच्छा मिल जाता है, कभी कभी तो खाने को भी नहीं मिलता। मेरी नजरों के सामने से हट जा, तुझ जैसे भिखारी को तो इस संसार में रहना ही नहीं चाहिए। सारी भिखारियों को एक लाइन में खड़ा करके खत्म कर देना चाहिए। तुम लोग इंसान के नाम पर कीड़े मकोड़े हो और कुछ नहीं। दुकानदार को उन दोनों का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, दुकानदार ने जल्दी से सामान दिया। इसके बाद रोहन और महेश वहाँ से चले गए। ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, कुछ पैसे वाले तो इतने अच्छे होते हैं कि पूछो ही मत, ऐसा लगता है कि साक्षात देवता उनके अंदर उतर आए हों। लेकिन कुछ पैसे वाले तो इतनी ज्यादा पत्थर दिल होते हैं जैसे उनके अंदर कोई राक्षस बैठा हो। ये लो बेटा, तुम मेरी तरफ से कुछ पैसे ले लो, तुम लोग भी पूजा कर लेना माता रानी की। खैर इसी तरह 9 दिन बीत गए। आखिरी दिन सभी लोग कन्या भोज करते हैं। चंदूलाल का परिवार भी कन्या भोज के लिए कन्याएं ढूंढ रहा था। माया मीरा तुम लोग तैयारी करो, हम दोनों अभी जाते हैं और कन्याओं को ढूंढ कर लाते हैं। ठीक है भैया। रोहन और महेश बाहर कन्याओं को ढूंढने चले गए। तभी चंदूलाल की बहू ने कहा, सासू माँ ससुर जी इस कविता को आज यहाँ से भगा देते हैं, आज पूजा का दिन है, गरीब लोग आसपास रहते हैं तो पूरा माहौल गंदा कर देते हैं। तुम लोगों ने बिल्कुल सही सोचा बहू, भगा दो इस कविता को आज यहाँ से। कविता आज तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे घर में भी तो पूजा होगी ना, चलो यहाँ से भागो। पूजा के समय यहाँ दिखाई मत देना, लेकिन कल टाइम पर आ जाना। जी मालिक। इतना कहकर कविता वहाँ से चली गई। काफी समय बीत गया लेकिन रोहन और महेश अभी तक नहीं आए। ये रोहन और महेश कहाँ रह गए, अभी तक कन्याएं नहीं आई। अरे जल्दी से पूजा खत्म हो, झंझट खत्म हो। थोड़ी देर में रोहन और महेश खाली हाथ लौट आए। मोहल्ले की सारी कन्याएं बिजी है माँ, कोई कन्या खाली ही नहीं है। अरे यार तुम लोगों को 9 कन्याएं नहीं मिली, 9 दिन का व्रत फालतू चला गया ना। सारा परिवार एक दूसरे पर ब्लेम लगाता रहा पर कन्याएं नहीं मिली। तभी थोड़ी देर बाद उनके घर में 9 कन्याएं आ गईं जिनका रंग बिल्कुल काला था। क्या हुआ माते, आप लोग कन्याएं ढूंढ रही थी इसीलिए हम लोग आ गए। छी 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 छी, इनकी शक्लें तो देखो, इससे अच्छी शक्लें तो भिखारियों की होती है, पता नहीं कहां से उठकर चली आई काली कलूटी, सब की सब काली है। देखने में भी कितनी भद्दी और कितनी गंदी लग रही हो, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर घुसने की, चलो भागो यहाँ से। कि आप लोग हमसे किस तरह से बात कर रहे हैं,
हम सभी को परमात्मा ने ही बनाया है। अगर आप लोग भेदभाव करेंगे तो दुर्गे माँ कैसे खुश होगी? अरे दो कौड़ी की लड़कियों, ये बड़ी बड़ी बातें करके कुछ नहीं मिलने वाला तुम लोगों को। हमें सुंदर कन्याएं चाहिए, ना कि तुम जैसी काली लड़कियां। भैया आज का तो दिन ही खराब है। अभी थोड़ी देर पहले बाहर कई सारे भिखारी मिल गए। पहले ही दिन जब हम लोग सामान लेने जा रहे थे तब भी भिखारी मिल गए थे। हर रोज भिखारी मिल जाते हैं जब से नवरात्रि शुरू हुई है। आज तो हद ही हो गई। इतनी गंदी लड़कियां हमारे घर में आ जाएगी तो सारे घर का सर्वनाश हो जाएगा। मैं अभी इन सबको उठाकर बाहर फेंक देता हूँ, फिर घर आकर नहा लूंगा। देखो तो कितनी ढीठ हो गई है ये सब की सब। बेइज्जती होने के बाद भी यहाँ से नहीं जा रही। इतने अच्छे बंगले में कदम रखने की हिम्मत पता नहीं कैसे आ जाती इन भिखारियों के अंदर। चलो बहनों, इनकी आंखों पर अभी तक पट्टी बंधी हुई है। हमें तो लग रहा था पट्टी खुल जाएगी, लेकिन इनके अंदर तो इंसानियत जैसी चीज ही नहीं। चलते हैं यहाँ से, फालतू में इन लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तभी चंदूलाल के परिवार ने देखा कि जैसे जैसे वो कन्याएं आगे बढ़ रही थी, उनके पैरों के निशान वहां पर बनते जा रहे थे। ये देखकर सभी हैरान हो गए। ये पैरों के निशान तो माता वैष्णो देवी के हैं। सासुमा मतलब दुर्गे माता अपने सभी नौ रूपों के साथ हमारे घर आई थी। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी वे लोग ज्यादा दूर गई भी नहीं होंगी। रोहन भैया चलो चलकर देखते हैं, उन्हें वापस ले आते हैं, उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लेते हैं। रोहन और महेश भागकर घर के बाहर गए, लेकिन वो सभी नौ कन्याएं उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दी, इसलिए वो घर की तरफ वापस आ गए। लेकिन तभी अचानक जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फ के बड़े बड़े पत्थर चंदूलाल के घर के ऊपर पड़ने लगे, जिससे उनके घर की छत गिर पड़ी। अरे ये सब क्या हो गया? अरे भागो, हमारा घर तो बर्फबारी में पूरा तबाह हो गया। अरे चिंता मत करो आप लोग, हमारे पास बहुत पैसा है, 15 दिन के अंदर नया घर बना लेंगे। पर आज कहीं ना कहीं रात तो बितानी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद रोहन और महेश के ऑफिस से फोन आया और उन्हें पता चला कि उन दोनों को नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। उनके बैंक में जितना भी पैसा पड़ा था सारा का सारा हैक हो गया। गाड़ी भी बर्फबारी में बंद हो गई। अब चंदूलाल पूरे परिवार को लेकर इधर उधर भटकने लगा। वो सब पूरी तरीके से कंगाल हो गए और भीख मांगने पर मजबूर हो गए। एक दिन जब पूरा परिवार किसी सिग्नल पर भीख मांग रहा था, तब वही भिखारन बच्ची मिली जो उस दिन महेश से भीख मांग रही थी। भैया आप तो बहुत अमीर घर के थे, आप लोग भी भीख मांगने लगे? मैं बताती हूँ आप लोगों की ये हालत अचानक कैसे हुई। पहली बात तो अचानक कुछ भी नहीं होता, ऊपर वाला कई मौके देता है सुधरने के। दरअसल आप लोग अमीर नहीं बल्कि सिर्फ पैसे वाले थे, क्योंकि अमीर इंसान हर चीज से अमीर होता है, पैसों से भी, बुद्धि से भी, दिल से भी, प्यार से भी, मोहब्बत से भी। लेकिन आप लोग किसी चीज से अमीर नहीं थे, सिर्फ पैसों का घमंड था। आप अपने से नीचे वालों को कचरा समझते थे। माता वैष्णो खुद आपके घर आई, लेकिन उनका रंग काला होने की वजह से आपने उन सबको दुत्कार कर भगा दिया। लेकिन जब आपको पता चला कि वो माता थी तो आप सब उनके पीछे पीछे भागने लगे। अब आप लोग जिंदगी भर भीख ही मांगेंगे। आपको अपनी नई जिंदगी मुबारक हो। यहाँ पर कोई घमंड काम नहीं आएगा आपको, इसलिए भीख हमेशा सर झुकाकर ही मांगेगा आप लोग। इतना बोलकर वो बच्ची अचानक गायब हो गई। तब उन्हें पता चला कि वो बच्ची भी माँ दुर्गा के रूप में ही आई थी। ऐसे ही दुर्गा माँ ने घमंडी इंसानों को सजा दी। जय दुर्गा माँ की। राखी अपनी ननद मधु के साथ कोलकाता से मुंबई जा रही थी। उस एसी कोच के सभी यात्री सो रहे थे क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। राखी नीचे वाली सीट पर और उसकी ननद मधु ऊपर वाली सीट पर सो रहे थे। राधा नीचे वाली सीट पर टीटी से बात कर रही थी। मुझे टीटी बहुत पसंद है, आपने वो गाना तो सुना ही होगा। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। और आप ना भूलने वाली चीज नहीं लगते जी। राधा बहुत खूबसूरत थी, उसे देखकर टीटी की लार टपकने लगी। आपने बिल्कुल सही कहा, अक्सर सफर के दौरान हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिसे हम कभी भूल नहीं पाते। आप कितने खूबसूरत हैं, आपके चेहरे का नूर तो चांद के नूर से भी कहीं गुना ज्यादा है। और आपके चेहरे पर तो सूरज से भी ज्यादा तेज है, कोई भी लड़की आपके चेहरे को देखकर खुद को रोक नहीं पाएगी। मुझे तो आपसे प्यार हो गया है। लगता है आज मेरी किस्मत मेरा बहुत साथ दे रही है। मैं लेने तो कुछ और आया था पर मिल कुछ और ही गया। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि कितना किस्मत वाला हूँ कि इस सफर में आप जैसे खूबसूरत महिला मुझे मिल गई।
मुझे भी आपसे मोहब्बत होने लगी है, लेकिन आपकी मांग में तो सिंदूर है, आप शादीशुदा लगती हैं। तो क्या हुआ टीटी बाबू, क्या शादीशुदा औरतों को मोहब्बत नहीं हो सकती? आपके चेहरे का तो तेज ही अलग है, कोई भी मदहोश हो जाए। राधा टीटी से बातचीत कर ही रही थी कि तभी अचानक उसकी ननद मधु की नींद खुल गई, जो कि ऊपर वाली सीट पर लेटी थी। मधु ने एक नजर उस टीटी को देखा और नीचे आ गई। भाभी हमारे पास टिकट तो है, फिर आप इस टीटी से इतनी देर से क्यों बात कर रही हो? हाँ मधु, मैं भी इन्हें कब से वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है भाभी, आप इन टीटी बाबू से गप्पे मारो, मैं जरा बाथरूम होकर आई। ठीक है, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। मधु ने अपनी चप्पल पहनी और बाथरूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसने चुपके से पलटकर टीटी को आंख मार दी। अब उस टीटी के मन में दूसरा लड्डू भी फूट गया। क्या बात है, लगता है आज ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, करने कुछ और आया था और हो कुछ और रहा है मेरे साथ। ये तो शादीशुदा है, ये तो मेरे जाल में फंसी चुकी है। अब इस लड़की के पीछे जाता हूँ, ये कुंवारी गली है, शायद मुझसे बाथरूम में अकेले में मिलना चाहती है। अब वो टीटी मधु के पीछे पीछे बाथरूम की तरफ जाने लगा। तभी राधा ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो आप, अब तो मेरी ननद भी चली गई और बाकी लोग सो रहे हैं। अब हम लोग खुलकर बात कर सकते हैं। मुझे जरा कंट्रोल रूम से मैसेज आया है, मुझे इसी वक्त वहाँ पहुँचना जरूरी है। आप रुको, मैं बस थोड़ी देर में आपके पास फिर से आ जाऊंगा। ठीक है, आपको काम है तो जाना ही पड़ेगा। इससे पहले हम ये जाने कि वो टीटी राधा की ननद मधु से जाकर बाथरूम में मिलेगा या नहीं, हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल राधा का पति मुंबई में इंडियन नेवी में काम करता था, इसीलिए राधा अपने पति को सरप्राइज देने के लिए उससे मिलने मुंबई जा रही थी। भाभी भैया मुंबई में मुझे और आपको देखकर हैरान हो जाएंगे, उन्हें बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ वो तो होगी, चल अपनी ट्रेन आ गई, बाकी बातें ट्रेन के अंदर ही करेंगे। राधा और मधु ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन चलने लगी। तुम दोनों लड़की होकर अकेली इतनी दूर सफर कर रही हो, तुम्हारे साथ कोई आदमी नहीं है क्या? नहीं आंटी जी, सिर्फ हम दोनों ही हैं। हम दोनों मुंबई अपने भैया से मिलने जा रहे हैं, मेरे भैया इंडियन नेवी में हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन इतनी दूर का सफर अकेले नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई मर्द तो जरूर होना चाहिए, रास्ते में बड़ी लूटपाट चल रही है आजकल। आंटी आप किस जमाने में जी रही हैं? आज लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, आजकल लड़कियां भी वो काम कर सकती हैं जो शायद मर्द भी नहीं कर सकते। हमें अपनी सुरक्षा करनी आती है, आप लोग फिक्र मत कीजिए। आजकल की लड़कियों के तो मुंह लगना ही बेकार है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं। खैर मेरा काम था समझाना सो समझा दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। सभी लोग खा पी कर सोने की तैयारी करने लगे। मधु तू ऊपर वाली सीट पर लेट जा, मैं यहाँ नीचे वाली सीट पर लेट जाती हूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं भाभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मुझे तो अभी नींद नहीं आएगी, मैं थोड़ी देर तक मोबाइल चलाऊंगी, उसके बाद अगर नींद आएगी तो सो जाऊंगी। सही कहा तूने मधु, नींद तो मुझे भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी चादर तान कर लेट जाते, हो सकता है नींद आई जाए। तो इस तरह धीरे धीरे उस बोगी के सभी यात्री सफेद वाली चादर तान कर सो गए, राधा भी चादर तान कर लेट गई और ऊपर वाली सीट पर मधु भी चादर तान कर अंदर ही मोबाइल चलाने लगी। तभी अचानक वहाँ पर टीटी की आवाज आने लगी। राधा और मधु ने चादर ओढ़ रखी थी। मधु इतनी रात में टीटी यहाँ क्या कर रहा है? दो बार तो टीटी आ चुके हैं, टिकट भी चेक कर चुके हैं। भाभी ये तो उन लोगों का काम है, वो तो करेंगी। भाभी मैं लेटी हुई हूँ, जब टीटी हमारी तरफ आए तब आप टिकट दिखा देना, आपके मोबाइल में होगी दोनों टिकट। ठीक है तू आराम कर। थोड़ी देर बाद टीटी उसी जगह पर आ गया जहाँ पर राधा और मधु लेटी हुई थी। उस टीटी ने देखा कि सारे लोग आराम से चादर ओढ़कर सो रहे हैं। मौका अच्छा है, सभी लोग अपना अपना मोबाइल चार्ज में लगाकर सो रहे हैं, जल्दी से हाथ मार देता हूँ। राधा ने टीटी की ये बात सुन ली। राधा को समझ आ गया कि वो कोई टीटी नहीं बल्कि चोर है, इसलिए राधा ने चुपके से अपने मुंह से चादर हटाई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि उसने टीटी की ड्रेस पहन रखी थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। अरे बाप रे ये तो बहुत खतरनाक चोर है, ये टीटी का भेष बनाकर ट्रेन में चढ़ गया और लोगों का सामान चोरी करता है, जल्दी से कुछ करना होगा, सबसे पहले मैं मधु को मैसेज कर देती हूँ। वो नकली टीटी चुपके से लोगों का बैग खोलकर उनका सामान चुराने लगा, कई लोगों का मोबाइल भी चोरी कर लिया। इधर राधा ये सब देख रही थी, उसने ऊपर लेटी हुई मधु को मैसेज कर दिया। उसने मैसेज में लिखा, मधु चुपचाप लेटी रहना, ये कोई टीटी नहीं बल्कि चोर है, इसके हाथ में हथियार भी है, मैं किसी तरह इसे अपनी बातों में फंसाती हूँ, तब तक तू जल्दी से रेलवे पुलिस फोर्स को मैसेज कर दे। मधु मोबाइल चला ही रही थी इसलिए उसने तुरंत मैसेज पढ़ लिया, लेकिन वो डरी नहीं, उसने अपनी भाभी को रिप्लाई कर दिया, ओके भाभी। चोर टीटी ने सबका सामान चुरा लिया था,
लेकिन तभी राधा ने अचानक अपने चेहरे से चादर हटा दी। टीटी घबरा गया लेकिन राधा ने उसे रोक लिया। टीटी बाबू, आप मेरी टिकट चेक नहीं करेंगे क्या? टीटी ने जल्दी से अपने हथियार और सारा सामान अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद उसने राधा से कहा, मैंने सोचा आप लोग सो रहे हैं, क्यों मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करूं, इसलिए मैं यहां से जा रहा था। टीटी वहां से जाने लगा तभी अचानक राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी सीट पर बिठा लिया। ये क्या कर रही हैं आप? कहां जा रहे हो टीटी बाबू, इतनी रात में सब लोग सो रहे होंगे, किसी का टिकट तो चेक नहीं करोगे आप? देखो सारे लोग सो रहे हैं, एक खूबसूरत औरत तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें अपनी सीट पर बिठा रही है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। लगता है लॉटरी लग गई। क्या सोचने लगे आप, क्या मैं आपको पसंद नहीं? नहीं नहीं, आप तो माशाल्लाह बेहद खूबसूरत है। वहीं दूसरी तरफ मधु उन दोनों की ये बातें सुन रही थी। मधु ने तुरंत रेलवे पुलिस फोर्स को मैसेज कर दिया। थोड़ी देर बाद मधु के फोन पर रेलवे पुलिस फोर्स वालों का रिप्लाई आया, हम लोग बस आपकी बोगी में पहुंचने वाले हैं। पुलिस वालों का रिप्लाई आते ही मधु अपनी सीट से उठ गई और बाथरूम की तरफ जाने लगी। तो अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। मधु बाथरूम के पास पहुंच गई और उसके पीछे पीछे वो टीटी भी पहुंच गया, लेकिन उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी पुलिस खड़ी थी। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कोई गड़बड़ हो गई क्या? आप टीटी हैं? अपना आईडी कार्ड दिखाइए। देखिए, आप एक ईमानदार टीटी पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। पर मैंने तो आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैं तो आपसे सिर्फ आपकी आईडी मांग रहा हूँ। उन लोगों की बातें सुनकर सारे यात्री और राधा भी बाथरूम के पास पहुँच गए। इंस्पेक्टर साहब, इसकी तलाशी लीजिए, जिस सीट पर हम लोग लेटे थे वहाँ पर से इसने आसपास के लोगों के मोबाइल और जेवर चोरी कर लिए। पुलिस ने जब उस टीटी की तलाशी ली तो बहुत सारे मोबाइल, गहने और सामान मिला। सभी यात्री अपना मोबाइल और सामान पहचान गए। ये तो मेरा मोबाइल है, थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। और ये गहने तो मेरे हैं, मैं अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही थी। इंस्पेक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों का सामान चोरी होने से बचा लिया। धन्यवाद मेरा नहीं बल्कि इन दो लड़कियों का कीजिए, आप लोग तो घोड़े बेचकर सो रहे थे, इन दोनों ने बड़ी ही होशियारी से बहुत ही चालाकी के साथ इस चोर को अरेस्ट करवाया है, इसके पास हथियार भी है, फिर भी ये दोनों डरी नहीं। तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मैं तो तुम दोनों को पसंद करने लगा था। राधा और मधु ने उस फर्जी चोर टीटी को जोरदार तमाचा मारा। उसके बाद पुलिस वाले उस फर्जी टीटी को अरेस्ट करके चले गए वहां से। सब लोग वापस आकर अपनी अपनी सीट पर अपना अपना सामान लेकर बैठ गए। लेकिन बिटिया, तुम दोनों ने ये सब किया कैसे, और वो चोर टीटी बनकर यहाँ तक कैसे पहुँच गया? राधा और मधु ने सारी घटना उन यात्रियों को बता दी। तब उस औरत ने राधा और मधु से माफी मांगी। मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ बेटा, तुम दोनों ने सही कहा था कि आजकल की लड़कियाँ और औरतें किसी मर्द से कम नहीं, ये सारे मर्द खर्राटे मारकर सो रहे थे। अगर तुम दोनों ने आज हिम्मत ना दिखाई होती तो हमारा सारा कीमती सामान चोरी हो गया होता। तो दोस्तों, यात्रा करते समय अपने सामान का अच्छे से ख्याल रखें।